नमस्कार, मैं कुंदन कुमार एक बार फिर से आप सबके सामने रूबरू हो रहा हूँ। काफ़ी वक्त हो गया, लेकिन सबसे पहले मैं जी टॉक्स के इस मंच को जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो हम जैसे नौसिखिए लेखकों को भी मौका देते हैं इस मंच से अपनी कविता पढ़ने की। और हर पीढ़ी के लोग मैं देखता रहता हूँ, आते हैं, अपनी कविता पढ़ते हैं, कविता मंचन करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आज जो मैं कविता सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है ख्वाहिश। ये ख्वाहिश किसी काम को लेकर नहीं है या किसी मंजिल तक पहुंचने की ख्वाहिश नहीं है। आप कविता सुनिए, शायद आपको समझ में आए। ख्वाहिश। उस मोड़ पे मिलने की ख्वाहिश है तुमसे, उस मोड़ पे मिलने की ख्वाहिश है तुमसे जहां अब सिर्फ तन्हाइयां मिलती हैं। उस मोड़ पे मिलने की ख्वाहिश है तुमसे जहां अब सिर्फ तन्हाइयां मिलती हैं, जहां जुगनू थामे उंगली रात की खामोशी से आता है, जहां जुगनू थामे उंगली रात की खामोशी से आता है, आती है रोशनी बंद हो ढिबरी में और महक जाती है चारों ओर। वहीं वहीं उसी मोड़ पे मिलने की ख्वाहिश है तुमसे जहां शाम रात में सराबोर होती है। पर सुनो चुपके से आना, कहीं तन्हाई तुम्हें छू न ले। पर सुनो चुपके से आना, कहीं तन्हाई तुम्हें छू न ले। और जुगनू हाथ ना छोड़ दे रात का, वो खंभा याद है, वो खंभा जो पड़ा है बरसों से वहां, अक्सर आहटें सुनता है सबकी। वो खंभा जो पड़ा है बरसों से वहां, अक्सर आहटें सुनता है सबकी और घबरा जाता है। सुनो ना तुम पायल थाम थाम आना, सुनो ना तुम पायल थाम थाम आना उस मोड़ पे जहां अब सूखी नदी बहती है। वहीं वहीं मिलने की ख्वाहिश है तुमसे जहां अब सिर्फ तन्हाइयां मिलती हैं।